नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक्सप्लोर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दूं कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का निधन हो गया है। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि रूटीन चेकअप के दौरान जो है उनकी तबीयत में और भी गिरावट नजर आई और अचानक से बुधवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई। और एक लाइन है जो शायद देश के सबसे बड़े उद्योगपति श्री रतन टाटा जी पर बहुत ही सूट करता है। जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। वैसे तो बहुत सारे उद्योगपति जाते हैं, अपना कार्यकाल जब पूरा हो जाता है तो सबको जाना होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए पूरा देश रोता है। आज अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे, पूरा देश आज शोक में है, क्योंकि रतन टाटा जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप गूगल करें एक बार तो शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। शायद नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और देश के सबसे बड़े बड़े जो अवार्ड होते हैं उन्हें बहुत पहले ही दिए जा चुके हैं, चाहे वो पद विभूषण हो या जितने भी बड़े अवार्ड हैं उनको मिल चुके हैं। और देश के लिए उन्होंने जो काम किया है उसकी शायद ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो, मुझे तो नहीं लगता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप रतन टाटा जी के ऊपर क्या लाइन लिखेंगे। सादर नमन तो मैं कहना चाहूँगा, साथ साथ मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ इस समय, क्योंकि रतन टाटा जी ने जो देश को दिया है वो शायद ही कोई देगा। उद्योगपति तो बड़े हो बड़े आए और है भी हमारे देश, लेकिन रतन टाटा जी की जगह लेना शायद ही संभव है, नामुमकिन सा लगता है ऐसा। एक ऐसा नाम जो देश के लिए बहुत कुछ किया, चाहे वो लखतकिया कार हो या फिर टाटा स्टील हो या फिर डोनेशन हो, चैरिटी हो, सब में रतन टाटा जी ने एक अलग ही पहचान छोड़ी है, जो पूरे देश को अग्रसर किया है, जो देश को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया है। आप अगर आईटी की बात करें तो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में आप शुमार है TCS, जिसमें कि हमारे ही देश के बहुत सारे नौजवान इंजीनियर उसमें काम कर रहे हैं और बहुत कुछ कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह के जो इनोवेशन है वो दे रहे हैं। आप रतन टाटा जी के बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं सादर नमन कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।